Assalamualaikum, welcome to KooKingK.com. आज हम बना रहे हैं हरी चटनी. तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है. हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है. एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हैं. मैंने सिर्फ पुदीने के पत्ते लिए हैं, डंडियाँ नहीं लेनी है. उसके अलावा आपका पुदीना एकदम फ्रेश होना चाहिए, वरना चटनी काली पड़ जाएगी. दो अदद लहसुन के जमों को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है. एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है. एक चौथाई चाय का चम्मच नमक और दो अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले लिए हैं. तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर में हरा धनिया डाल देंगे. इसके बाद इसमें पुदीने के पत्ते डालेंगे, साथ ही इसमें ज़ीरा डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, नमक शामिल करेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. तो यहाँ पर चटनी हमारी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है. अब इसे एक प्याले में निकाल लेंगे. आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं, या फिर इसे दही में शामिल कर इसका रायता भी बना सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है. आप इसे मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स, सैंडविचेस और पकौड़ों के साथ सर्व करें. उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.